भैया रुकिए भैया, आप मुझे वो गाड़ी को फॉलो करना, जल्दी चलिए प्लीज। भैया क्या मैं प्लीज एक कॉल कर सकती हूँ? तुम नंबर बदल बदल के फोन क्यों कर रही हो? Get in. There's no Karthik coming for you. उसे लगता है कि तुझे स्टॉक कर रहे हैं। Happy birthday. मेरी एनिवर्सरी पार्टी है। मैंने कार्तिक को बुलाया है और तुझे भी आना है। I fell in love with someone else. Okay, tell me what you want me to be. I want her. मैं ना क्लास मुंह में फेंक के मार दूंगी। तुम्हें बीच में बैठने क्या जरूरत है यार? समीरा कहाँ पर है? तेरा फोन ऑन हो गया? ये क्या हुआ? कुछ पता ना चला क्यों हादसा बन गया सिलसिला टुकड़ों में तुम थे टुकड़ों में मैं भी टुकड़े मिले तो हम बने A broken heart is from the pieces of another one, जो उतना ही damaged, उतना ही defective हो। Good morning. Bobby, please put the garbage out. Sure. अरे पोनो, पोनो मैंने क्या किया है यार? कुछ तो किया होगा। जब पता चलेगा तो बता दूँगी। Now get lost. पोनो, क्या fuck man? क्या कर रही हो? You always do this. Pono, open the door now. इसमें क्या मिला है? इतना कड़वा है. Pono, after last night, थोड़ा सा self control, थोड़ी सी self respect और बहुत सारा common sense मिला है मैंने इसमें, because तुम्हें इन सब चीजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, Sam. किसका मैसेज है? Spam है. You're right, spam है. हाँ तो? उसकी दादी माँ के बैंगल्स उसे चाहिए होंगे ना? Right. यार शेयर के आपके पैसे तो हमने भी दिए हैं। भाई साहब आपको पूरी फील आ गई हो तो थोड़ी देर मैं अपनी जिंदगी जी लूं। थोड़ा खिसक के बैठिए ना। यार देख तेरे से कंगन मांगे हैं ना। It is a very good sign. मेरी और पार्थ की तो जब भी लड़ाई होती थी ना मैं तो जानबूझ के अपना कुछ ना कुछ सामान उसके यहाँ छोड़ाती थी। पार्थ मेरा टेडी बियर तेरे यहाँ रह गया लेके मिलो। मेरी पिंक लॉन्ड्री इज एट योर प्लेस। मैं आ जाऊँ क्या लेने? You know, ये तो मिलने का बहाना है। This is like a mating ritual, dude. What mating ritual? मैं तुम दोनों को blowfly का mating ritual बताऊं? क्यों बहन? It's so boring. Anyway, so blowflies में जो male flies होते हैं ना, वो female flies को gift करते हैं। You know, like before sleeping with them. ओए, ये तो तेरा mating ritual है। तू है ना वो blowfly? ओहो, बड़ी हंसी आ रही है ना? How funny. एक फोटो खींच के लगाऊंगी ना, वायरल बने फिरोगे। अच्छा एनीवे, तो ये जो गिफ्ट होता है यूजुअली कुछ खाने की चीज होती है, बट कुछ मेल फ्लाइज इतने चालाक इतने हरामी होते हैं वो कोकून को अपने शिट से भर देते हैं। छी, सो द फीमेल फ्लाई थिंक्स, ओह माय गॉड, ये इतना भारी है, मस्ट बी समथिंग स्पेशल एंड ही इज द वन फॉर मी एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हाट डज द फीमेल फ्लाई रियलाइज आफ्टर दिस? दैट ही इज फुल ऑफ शिट एंड दैट सैम इज कार्तिक। हो गई तेरी पंचतंत्र की कहानी खत्म है ना सैम? तू एक कार्ड चूज। द फूल। या व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? सैम एंड फूल, इट मींस अ न्यू बिगिनिंग। यू विल ओपन अ डोर दैट विल चेंज योर लाइफ। ध्यान दियो आज कौन सा दरवाजा खोल लिया तू। Ah.
आठ महीने तीन हफ्ते दो दिन में पहली बार पता है मुझे चार साल पहली बार मुझे उसने मिलने बुलाया है। मैं जानती हूँ बाबा उसका सेल्फिश कंसर्न है, उसे बैंगल्स वापस चाहिए। तो कुछ बदलने नहीं वाला है। कहाँ वो एड्रेस? चार सालों में नहीं बदला, वो अब क्या बदलेगा? तू अननेसेसरली पैरानॉइड हो रही है, ठीक है? व्हाट? या बाबा, आई विल बी फाइन। अरे घर तो मैं फोन कर दिया ना ईशान भी, अब क्या हॉबी भी कल्टीवेट कर लूं? पॉन्ड में बाद में कॉल करूं, सिलाई सीख लूं? प्लीज इडियट। बाय एणा नुरवने वे तू तरले पवने जिथे जिथे जाना है तू मिल एनक ता सोने प्यार भी नहीं करदा जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल। यार, एक बॉक्स था इतना बड़ा, मैंने खुद इसमें पैक किया था, कहाँ गया वो? जो भी है सर यहीं पे, हम तो बस सामान उठाकर लाए हैं। जो भी है सर बस यही है, हम सिर्फ सामान उठाकर लाए, वहां पे सामान देखना जिम्मेदारी नहीं है आपकी। पता है कितना कीमती बॉक्स था वो मेरा? अरे ये क्या वाहियात सर्विस है आपकी, एक बॉक्स था। सर सर यहाँ पे तो सिर्फ बॉक्सेस ही है सर। आप बकवास बंद करिए अपनी, ठीक है? और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, रुकिए वहीं पे आ रहा हूं मैं। चलिए भैया। आई वॉज डेड इनसाइड, मेरा दर्द ही वो एंटीडोट था जिसकी वजह से मैं कुछ फील करती थी। मेरा पेन मेरा कनेक्शन था कार्तिक से। मेरे और कार्तिक के रिलेशनशिप का कुछ बचा था वो था दर्द। एंड इफ आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू द रिलेशनशिप आई हैड टू होल्ड ऑन टू दिस पेन। Memories that stalk you, haunt you, possess you like ghosts, and there is no exorcism. ख्वाब दे दो या साथ दे दो, मिल सको तो आके जवाब दे दो। ख्वाब दे दो या साथ दे दो, मिल सको तो आके जवाब दे दो। ऐसा हुआ ना कभी जैसा हुआ है अभी, तुम ख्वाबों में भी हमें आते नजर क्यों नहीं। तुमको मेरा वास्ता, जाते हैं क्या यूं भला के लौटे नहीं। हेलो हेलो समीरा बेटा, मैं मिसेस गिल बोल रही हूँ। तुम्हारा कुत्ता मुझे नीचे मिला है। आंटी वो बाहर कैसे निकली? मुझे पता नहीं कि वो बाहर कैसे आया है, लेकिन हाँ तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ है। You'll open a door that'll change your life. ध्यान दियो आज कौन सा दरवाजा खोल रही है तू। कार्तिक
कौन हो? अलीना कौन है? My wife. तुम्हारी बीवी है? I can't be going crazy. वो लड़की दिखाई दे रही है तुम्हें? That is your excuse. कि तुम्हें लड़की दिखाई दे रही है? हाँ, मैं खड़ी हूँ सामने. मैं यहाँ पर हूँ. And you call another girl. तुम ऊपर से तुम्हारी बीवी भी है. You fucking asshole. Excuse me. कार्तिक अंदर है क्या? Do I look like a fucking bitch? That center to you. Move. Wait. तुम्हारे पास भी इस घर की चाबी है? Of course. What do you mean of course? तुम इस घर में घुसे कैसे? Legally. और मेरा सारा सामान? यहाँ पे मेरी एक रॉट हैंड की चेयर थी. मेरी फेवरेट वाली पेंटिंग. Oh my God. So you are the psycho ex. कार्तिक ने घर बेच दिया? हाँ, एक मिनट. हाँ, मुझे याद आया उससे. कुछ पेपर्स हैं. उनके तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे. प्लीज तुम साइन कर दो. वैसे भी अब तुम दोनों एक साथ हो नहीं तो फिर एक ही साथ एक घर रखने का क्या फायदा? नहीं, हर पेज पे इनिशियल्स और लास्ट पेज पे यहाँ पे साइको एक्स. कार्तिक मुझे साइको एक्स बुलाता है. Sorry, I don't know and I actually don't care. तुम प्लीज इस पे साइन कर दो, मैं तुम्हारा चेक काट देता हूँ. नाम? नाम भी नहीं बताया उसने. क्या फर्क पड़ता है उसने बताया नहीं बताया? तुम्हें पता है ना तुम्हारा नाम, तो प्लीज तुम कर दो ना साइन इस पे. Oh my baby. वैस कर्मा. कर्मा? कार्तिक ने घर बेच दिया और तुम्हें कर्मा के बारे में भी नहीं बताया? I don't believe in कर्मा. कर्मा बेबी. कर्मा? वो आवारा जंगली कुत्ता तुम्हारा है? You know what he did? He attacked Mrs. Robinson and he attacked me too. कुत्ता नहीं है वो. कर्मा is a bitch. No wonder she found you. कर्मा? Fucking stone. कर्मा? बेबी? पेज पे इनिशियल्स और यहाँ पे लास्ट पे साइन. बात बताओ, ये किस तरह का आदमी होता है जो एक दिन कर्मा को अडॉप्ट करता है और दूसरे दिन डिसाइड करता है एंड ऑफ रिलेशनशिप? उसने कर्मा से पूछा? नहीं, वो बेचारी को पता ही नहीं है दैट कार्तिक हैज मूव्ड ऑन. उसे पता ही नहीं है कि घर उसका अब रहा ही नहीं. आज भी इसी घर में वेट करती है. व्हाट एन इडियट. काश ये मूव ऑन को एक एंटीबायोटिक पिल बनाकर दे सकते. कितने लोग की जान बच जाती. I want to move on. कर्मा move on करना चाहती है पर हो ही नहीं पाता. Psycho X. जी हाँ, कार्तिक से मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा. And I'm not sure कि मैंने इतनी देर उसकी बकवास भी नहीं सुनी. Psycho X. उसकी बातों से वो काफी damaged, demented और defective sound करती थी. Kind of like me. उसकी बातों से वो काफी lonely भी sound करती. Let me tell you, it secretly felt very nice to know that someone was as fucked up and as broken like me. Yes. Kartik, मुझे दादी माँ की bangles लेकर बुलाता है and me like a moron, मैं जाकर उसका wait करती हूँ. मुझे पता है वो मुझसे सिर्फ bangles लेने ही आ रहा है. शायद मेरी coffee खत्म होने से पहले ही निकल जाए. पर इतने दिन बाद उसने मुझे याद किया. उसे मुझसे कुछ चाहिए. He needs me. I mean, he needs the bangles. इतने में खुश हो जाती हूँ. मैं वेट कर रही हूँ उसका और फिर वो आता ही.
तब बुरा लगता है. It hurts. पर बाकी टाइम तो जैसे मुझे कुछ फील ही नहीं होता. बाकी टाइम तो मैं सुन साइफर जीरो फीलिंग्स डेड इनसाइड. जैसे कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन किसी ने मुझे दे दिया. कर्मा, आई थिंक आई सॉ कर्मा. मैंने उसको नीचे देखा था. हेलो, ओए, हेलो, अरे वेट, हेलो, साइको एक्स, अरे ये पेपर कौन साइन करेगा? हेलो, अरे साइको. नहीं मिलने वाला. घर जाओ, सो जाओ. तुम घर जाओ. मेरे वो घर मेरा है. और तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है? मुझे तुम्हारी फिक्र इसीलिए हो रही है क्योंकि जब तुम जाओगी उसके बाद ही सुकून से सो पाऊंगा ना मैं. वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, किसी के भी घर में घुस जाती हो. और मेरे घर की तो चाबी भी है तुम्हारे पास. कैन आई प्लीज बोरो योर अम्ब्रेला? आधी रात को इतनी बारिश में अपने कुत्ते को ढूंढ रही हो. एक बात बताओ, does he even want to be found? उससे क्या फर्क पड़ता है? I love my dog. I need to find her. तुम क्या हमेशा से इतनी delusional हो? कर्मा! वैसे कार्तिक सही कहता है तुम्हारे बारे में. You're quite crazy, I must say. Because I care? No. क्योंकि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कुत्ते को भी अकल है कि कहीं घूमने ना निकले. और तुम यहाँ ढूंढ रही हो उसे. तुम भी जाओ, जाके सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो. कर्मा, कर्मा, so this is your regular workout routine. You always take the stairs. मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है. Well, I'm really sorry. मुझे पता नहीं था. मुझे भी पता नहीं था. पिछले एक साल में मैंने डिस्कवर किया कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया. You know, anxiety attacks, sweating, सांस रुक जाती. पता है जब मैं कार्तिक के साथ थी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है कि एक दूसरे को जानने के लिए हम कोई पर्सनल नोट्स एक्सचेंज करें. मेरा फोन भीग गया है. I'm not able to call anybody. Is it okay if I just borrow your phone to call an Uber? Sure. Thank you. See this. कार्तिक के लिए लिया था. नाइटमेयर्स आते हैं उसे. फिलहाल उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा नाइटमेयर तुम हो. I doubt this dream catcher will help. I'm sorry. उसने ऐसा कहा? Please तुम. It says 15 minutes. The Uber should be here. Thank you. Psycho X, उसने कब बोला? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? You know, अगर कोई तुम्हें
साइको एक्स कह रहा है तो कॉन्टेक्स्ट है कोई भी हो, आई थिंक व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज द वर्ड साइको एंड आल्सो द फैक्ट दैट ही इज कॉलिंग यू एन एक्स. कहाँ मिले तुम उसे? यू नो आई थिंक मैं ड्रायर लेके आता हूँ. ड्राइंग योर फोन विद दैट. हाँ भाई, मुझे पता चला समीरा आने वाली है. तूने मुझे बताया कि नहीं? वो इतनी क्रेजी है. देख जो भी है, घर मत आने दी, अदरवाइज वो वापस नहीं जाने वाली. वो दूसरे कमरे में ही रहती. तू पागल हो गया है क्या? Get her out of there as soon as possible. अच्छा ठीक है, काम डाउन, मैं तुझे कॉल करता. सही कहता है तुम्हारे बारे में. यू आर अ ब्लडी साइको. उसको फॉलो करती हो, उसकी गर्लफ्रेंड को फॉलो करती हो, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बाय गोइंग थ्रू माय पर्सनल स्टफ. यू नो ही वाज राइट. उसने मुझे वार्न किया था, मुझे समझ जाना चाहिए था. बट आई वाज द वन फेल्ट बैड फॉर यू एंड आई वाज द वन हु वांटेड टू हेल्प यू. बट ही वाज राइट. यू आर जस्ट पैथेटिक. मैंने कुछ भी नहीं किया. एक कांसेप्ट होता है प्राइवेसी. डू यू गेट इट? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? कोई शर्म है? लीव. वीर ने जो भी कहा वो गलत फहमी थी. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. What shattered me was जो कार्तिक मेरे बारे में सोचता था. साइको एक्स, स्टॉकर, लूजर, पथेटिक. आई स्टिल लव्ड हिम. एक टूटे हुए रिकॉर्ड के फंसे हुए गाने की तरह, जो अब बेसुरा और कंप्लीटली इरेलेवेंट हो चुका है. I still loved him. I think that is how dinosaurs went extinct. सारी दुनिया बदल रही थी and they couldn't move on with the times. It's lonely being a dinosaur.